दोस्तों, क्या आप जानते हैं इमली की तासीर कैसी होती है? अगर नहीं जानते हैं तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इमली की तासीर कैसी होती है, ठंडी या गर्म। तो चलिए आपको बताते हैं इमली की तासीर कैसी होती है। आयुर्वेद के अनुसार इमली की तासीर जो होती है वो ठंडी होती है। इमली हमारे पाचन के लिए बहुत फायदेमंद होता है। शुगर वाले मरीजों के लिए इमली का सेवन करना फायदेमंद होता है। इमली खाने से मोटापा की समस्या दूर होती है। अगर आपको साइनस और सर्दी खांसी की समस्या रहती है तो आपको इमली का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इमली की तासीर ठंडी होती है। साइनस और सर्दी खांसी में ठंडी चीज़ों का सेवन करना नुकसानदेह हो सकता है। आज के लिए बस इतना ही। अगर जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको तासीर से जुड़ी जानकारी, हेल्थ से रिलेटेड जो जानकारी, किस चीज़ में कौन सा विटामिन और पोषक तत्व पाया जाता है, उसकी जानकारी आपको हमारे चैनल पर मिलेगी। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। आप खुश रहें, अपनी सेहत का ख्याल रखें। धन्यवाद दोस्तों।